हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आटे के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। हलवे के लिए हमें चाहिए एक कटोरी आटा, एक कटोरी घी, एक कटोरी चीनी और दो कटोरी पानी। चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डालेंगे। देखिए, घी को पहले अच्छे से गर्म करके उसे सिम कर लें। देखिए, घी हमारा गर्म हो गया। हमने गैस को अपनी सिम करके ही आटा डालना है और सिम गैस पे ही इसको धीरे धीरे भूनना है। दोस्तों, हम अपने हलवे को जितना सिम गैस पर भूनेंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा, इसीलिए बिल्कुल धीमी आंच पर ही इसे। दोस्तों, हमें आटे को भूनने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी में से तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए इसको बहुत ही धीमी आंच पर भूनिए। जब आपको पता चल जाएगा, जब ये भून जाएगा कि इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और आपका जो इसका घी है वो भी बिल्कुल अलग हो जाएगा, कढ़ाई अपनी छोड़ देगा, वो घी इसका ऊपर तैरने लग जाएगा। देखिए, हमारा आटा भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए, हम इसमें पानी डालेंगे। लगातार चलाना है हमें पानी डालने के बाद। दोस्तों, जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम अपनी चीनी भी इसके साथ ही डाल देंगे। हमने अपनी सारी चीनी भी इसमें डाल दी है। इसको हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना आए। देखिए दोस्तों, हमारा हलवा जो है इसको अच्छे से हमने छोड़ना है कि अपना घी अच्छे से छोड़ दे और कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाए। और इसको अच्छे से तेज आंच पे आप भूनिए। जब इसका घी अलग हो जाएगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमारा हलवा जो है बनकर तैयार है। लीजिए, हमारा हलवा बनकर तैयार है। देखिए, इसने अपना पूरा घी छोड़ दिया है और कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। लीजिए दोस्तों, हमारा आटे का हलवा और कड़ा प्रसाद बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।